गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अल्कोहल्स में बात करी थी। प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने की विधियां, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने की विधियां तथा टर्शियरी अल्कोहल्स बनाने की विधियां, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हमने बात करी थी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बनाने की विधियां, तो उनमें हमने बात करी थी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, डी मर्क्यूरीकरण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से। नेक्स्ट है तुम्हारी हेलो एल्केन से अभिक्रिया। हेलो एल्केन से अभिक्रिया में हमें एक्वस बेस NaOH या KOH या Ag2 सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेने पर प्राइमरी एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेने पर सेकेंडरी एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं तथा टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेने पर टर्शियरी एल्कोहल्स तथा एल्कीन साथ में बनती है, एल्कीन्स प्राप्त होती है। एक्वस बेस जलीय क्षार NaOH और KOH के प्रति एल्किल हैलाइड्स की क्रियाशीलता निम्न प्रकार है। प्रत्येक एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। हम क्या बोल रहा है, हेलो एल्केन्स टुवर्ड द बेस, मतलब हेलो एल्केन्स की क्रियाशीलता किसके प्रति, जलीय क्षारों के प्रति। जलीय क्षारों के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, टर्शियरी एल्कोहल। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड अगर ज्यादा क्रियाशील है, ये है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है तो ये ज्यादा स्पीड में अभिक्रिया करेंगे, इसीलिए इनसे टर्शियरी एल्कोहल्स बनने के साथ साथ में एल्कीन्स बनती हैं। साथ में क्या बनती है, एल्कीन। जबकि प्राइमरी तथा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेने पर हमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। साथ में अगर हमने KOH लिया है तो KI या KH प्राप्त होता है, अगर NaOH लिया है तो NaX, अगर सिल्वर ऑक्साइड लिया है तो AgH। अब हमें साथ में इसमें क्या मिल रही है, एल्कीन, जबकि हमें क्या चाहिए, केवल एल्कोहल्स। तो तृतीय एल्किल हैलाइड की अगर हमें अभिक्रिया करानी है किससे, एक्वस KOH से, तो साथ में हमें एल्कीन मिल रही है और हमें केवल एल्कोहल बनाने हैं, तो केवल एल्कोहल बनाने के लिए हमें टर्शियरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया CH3COOAg सिल्वर एसीटेट के साथ कराएंगे, जिससे हमें केवल और केवल क्या प्राप्त होगा, 3 डिग्री एल्कोहल्स। हम क्या बोल रहे हैं, यदि टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स की अभिक्रिया जलीय क्षारों के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल्स के साथ में एल्कीन मिलती है। अगर हमें केवल एल्कोहल्स चाहिए तो एल्कोहल्स के लिए हमें तृतीय एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ कराएंगे, इसके साथ सिल्वर एसीटेट हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, सिल्वर एसीटेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। ये है सिल्वर एसीटेट, ये है सिल्वर एसीटेट, और ये क्या है, आइसोब्यूटिल, सॉरी प्रोपेन, ठीक है। अगर हमें इसकी अभिक्रिया करानी है किससे, सिल्वर एसीटेट के साथ, तो हमें प्राप्त होगा CH3
CH3, OCOCH3, दैट मीन्स इसमें अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ से ये बॉन्ड उठेगा, यहाँ से ये बॉन्ड, ये माइनस की फॉर्म में और ये प्लस की फॉर्म में, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये माइनस और ये प्लस यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बन गया। साथ में क्या मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। अब वापिस से ये सिल्वर, सॉरी वापिस से ये अभी करना, जलीय क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, जलीय क्षारों NaOH के साथ अभिक्रिया करके केवल और केवल तृतीयक एल्कोहल्स बनाते हैं, कोई एल्कीन्स नहीं बनती, और साथ में बनते हैं CH3COONA, सोडियम एसिटेट, 2-methyl-2-propanol। हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1, 2, 3, 2-methyl-2-propyl-bromide, bromopropyl। हमें क्या मिला है, 2-methyl होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। HBr की अभिक्रिया वापस से एल्कीन से कराने पर देखो हमें क्या करना है, ये हमने अभी किसकी बात करी है, हेलो एल्केन से एल्कोहल्स बनाने की विधि, तो 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्कोहल्स, तो आसानी से 1 डिग्री तथा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से बन जाएंगे, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर टर्शियरी एल्कोहल्स बनने के साथ में एल्कीन बनती है जलीय क्षारों के साथ। अगर हमें केवल एल्कोहल्स बनाने हैं, तृतीयक एल्कोहल्स बनाने हैं, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पहले सिल्वर एसिटेट के साथ कराएंगे, उसके बाद उसकी NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल्स, क्या प्राप्त होते हैं हमें, 3 डिग्री एल्कोहल्स। लेकिन अगर हम बात करें, तुम क्वेश्चन लिख सकते हो, अगर हमें 1 डिग्री एलो एल्केन्स, 1 डिग्री हेलो एल्केन से द्वितीयक एल्कोहल्स कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है तुम्हारा, 1 डिग्री हेलो एल्केन से, देखो अभी हमने बात करी थी 1 डिग्री हेलो एल्केन से 1 डिग्री एल्कोहल्स बन रहे थे, 2 डिग्री हेलो एल्केन से 2 डिग्री एल्कोहल्स, 3 डिग्री हेलो एल्केन से 3 डिग्री एल्कोहल्स। अभी हमने क्या बात करी थी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या बन रहे थे, 1 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर क्या बन रहे थे हमें, 2 डिग्री एल्कोहल्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, 2 डिग्री एल्कोहल्स कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से 2 डिग्री एल्कोहल्स कैसे बनाएंगे। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल्स, सॉरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लाइक RCH2CH2Br, ये ले लिया, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं, एल्कोहलिक KOS से, किससे कराएं, एल्कोहलिक KOS से। एल्कोहलिक KOS क्या करता है, विलोपन करता है, यहां से H का कर देगा और एक Br का कर देगा, हमें क्या मिल जाएगी एल्कीन। देखो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दो तरह के होते हैं, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH,
ये तो करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ये करती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी हमने कौन सी ली है? एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच लेने पर क्या हुआ? यहाँ विलोपन हो गया, माइनस ऑफ एचबीआर, माइनस ऑफ एचबीआर, और हमें क्या मिल गई? आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, मतलब एल्कीन। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? एचबीआर से। यह अभिक्रिया बहुत वेल नोन अभिक्रिया है मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। तो ये एल्किल हैलाइड कहाँ जुड़ेगा? हैलाइड कहाँ जुड़ते हैं? जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार करेंगे अपन, आर सी एच बी आर सी एस थ्री, आर सी एच बी आर सी एस थ्री, सिंपल है। अब इसकी अभिक्रिया मैंने तुम्हें बताया ना, एल्कोहलिक क्यूएच को क्या कर रहा था? एल्कोहलिक क्यूएच तो कर रहा था, एल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा था। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? एक्वस क्यूएच से। किससे कराएंगे? एक्वस क्यूएच से। एक्वस क्यूएच क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, इस बीआर को हटा देगा और इसकी जगह ओएच आ जाएगा, आर सी एच ओएच सी एच थ्री। आगे क्वेश्चन समझ में, हमने लिया था 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या लिया था? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 डिग्री एल्कोहल। हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2 डिग्री एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें केवल ये याद रखना है कि एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है और एक्वस क्यूएच क्या करता है। नेक्स्ट हम अभिक्रिया पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे हम? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। हमने इससे पहले क्लास में बताया था एल्किन्स, एल्कीन के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? एल्कोहल। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीकरण से बनते हैं एसिड्स, और एसिड्स के ऑक्सीकरण से बनते हैं, अगर इसमें है HCOOH तो CO2+H2। अब हम रिवर्स चलेंगे, एसिड्स के अपचयन से बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंडों के अपचयन से बनते हैं एल्कोहल, और एल्कोहलों के अपचयन से बनते हैं एल्केन्स। ये अपचायकों की क्षमता पर निर्भर करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड से हम डायरेक्ट एल्केन्स भी बना सकते हैं, एसिड्स से हम डायरेक्ट एल्कोहल्स बना सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है ऑक्सीकारक तथा अपचायकों की क्षमताओं पर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। हम बोल रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से बिल्कुल एल्कोहल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। राइट एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड का कीटोन के अपचयन से। तो एल्डिहाइडों के अपचयन से बनेंगे 1 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बोल रहे हैं हम? एल्डिहाइड आर सी एच ओ अपचयन से क्या बनेंगे? RCH2OH, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अपचयन से बनते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स। कीटोन्स के अपचयन से बनते हैं 2 डिग्री एल्कोहल्स।
कीटोन्स के अपचयन से बनते हैं। जैसे एथिनल ले लें तो एथिनल के अपचयन से क्या बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल में ले एथिनल CH3CHO, एथिनल के अपचयन से क्या बनेगा एथेनॉल, एथिनल के अपचयन से बनता है एथेनॉल और प्रोपेनॉल के अपचयन से बनता है प्रोपेनॉल। बात क्या कर रहे हैं, R की जगह हमने क्या ले लिया CH3, प्रोपेनॉल के अपचयन से क्या बन रहा है 2-propanol। अभी तो हमने जनरल बात कर ली है, इसमें मेन है अपचायक, हमने कौन कौन से अपचायक लिए हैं। अधिकांश एल्डिहाइड और कीटोनों को अपचयन से एल्कोहल्स बनाने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। एल्डिहाइड तथा कीटोन्स के अपचयन हम सोडियम तथा एल्कोहल्स के साथ करा सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड दे सकते हैं। किस किस के लिए बात कर रहे हैं हम, देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम लिख सकते हो इसमें अपचायक। अपचायक कौन कौन से ले रहे हैं, ले सकते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायकों को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वेरी वेल नोन, सोडियम बोरोहाइड्राइड तथा सोडियम प्लस एथेनॉल Na+C2H5 एल्कोहल ले सकते हैं कोई सा भी। जिसको हम ब्लूबोब्लांक अपचयन, ब्लूबोब्लांक अपचयन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लूबोब्लांक अपचयन, ब्लूबोब्लांक रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का एस्टरों के अपचयन द्वारा एल्कोहल्स का निर्माण ब्लूबोब्लांक विधि द्वारा कराया जाता है। किस किस का, एल्डिहाइड कीटोन का एस्टर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स तथा एस्टर्स का रिडक्शन, इन तीनों का रिडक्शन किसके द्वारा कराया जाता है, ब्लूबोब्लांक अपचयन विधि द्वारा कराया जा सकता है। इसमें अपचायक हम लेते हैं सोडियम के साथ एथेनॉल या एन ब्यूटेनॉल, ब्लूबोब्लांक अपचयन का भी बताया था रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें, सोडियम प्लस C2H5OH या C2H5OH नहीं है तो एन ब्यूटेनॉल। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेते हैं इसमें, Na+C2H5OH।
एल्डिहाइडों से 1 डिग्री अल्कोहल्स, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल्स, और हम तीसरी किसकी बात कर रहे हैं, एस्टर्स की। तो एस्टर्स से बनेंगे दो प्रकार के अल्कोहल्स, देखो हमने बोला है ध्रुव ब्लांक अपचय द्वारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCH2OH, RCH2CHO बन गया RCH2CH2OH, ये तो है एल्डिहाइड। बात करें कीटोन की, RC डबल बॉन्ड को R, Na+C2H5OH, Na+C2H5OH क्या बन जाएगा इससे 2 डिग्री अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एस्टर्स की, RCOOC2H5, R की जगह हम लेंगे RCH2, COOC2H5, Na+C2H5OH, इससे बनेंगे दो प्रकार के अल्कोहल्स RCH2CH2OH +C2H5OH। हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, अभिक्रिया की, क्रियाविधि की। तो ये अभिक्रिया की क्रियाविधि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एक समय में एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा संपन्न होती है, निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। हम बात कर रहे हैं बुबोग्लांक अपचयन की, बुबोग्लांक अपचयन की क्रियाविधि मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर द्वारा संपन्न होती है, जैसे हमने मान लिया है RC डबल बॉन्ड, इसमें हम कौन सी मेटल काम में ले रहे हैं, सोडियम मेटल। हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड ध्रुवीय समूह है, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। अब सोडियम इसमें अपने दोनों सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें किसको देगा, कार्बन को, या फिर तुम ऐसा करो इसको ऐसे ले, C डबल बॉन्ड O, ये जो देखो इसमें पहले से ही 1, 2, 3, 4 पहले इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, समझो इसको RC डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O पे हम जानते हैं ये कोई भी बंध दो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अगर ये टूटेगा तो देखो ऐसे टूटेगा RRCO, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, कार्बन को। तो ऊपर क्या चार्ज आएगा, सोडियम प्लस, ये क्या बन जाएगा RRC, इस पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बंद टूटने से इस पे इलेक्ट्रॉन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ गया, दो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज आ गया, और इस पे क्या है, 5
नेक्स्ट स्टेप में हमने अभिक्रिया में क्या लिया है, एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH क्या करेगा, वापस से इसको H प्लस देगा। हमने क्या लिया है अभिक्रिया में C2H5OH, इस C2H5OH H प्लस किसको ट्रांसफर करेगा, कार्बन माइनस को, और ये ऑक्सीजन के ऊपर वही 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है इसको एक और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम, वापस से सोडियम क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे वही माइनस, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस, और सोडियम प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही हमने अभिक्रिया में क्या लिया है C2H5OH, ये क्या डोनेट करेगा, H प्लस RRCHOH, ये क्या बन गया 2DD अल्कोहल, और हमने लिया क्या था कीटोन। अगेन सुन लो, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटेगा, कोई भी बंध दो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन एक इस पे आ जाएगा और एक ऑक्सीजन के पास, सोडियम धातु क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और तो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो, दो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, वापस से C2H5OH क्या करेगा एच प्लस डोनेट करेगा, ये एच प्लस किस पे जुड़ जाएगा कार्बन पर, ये बन गया, इस पे अकेला एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको सोडियम क्या करेगा वापिस से एक और इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने से इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, माइनस चार्ज आ गया, इस माइनस को वापस से एच प्लस इस पे जुड़ जाएगा, क्या बन गया ये एल्कोहल्स, क्या बन गया ये एल्कोहल्स। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम अगली अभिक्रिया में, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू।